पुलिस की वर्दी में चौक पर घूम रहे एक युवक को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तब लगा कि उस युवक के साथ धोखाधड़ी कर ली गई है और उसने पुलिस को कहानी भी कुछ ऐसे ही बताई। लेकिन अब इसने आईपीएस मिथिलेश मांझी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर अकाउंट बना लिया है। इतना ही नहीं, अब वह कई भोजपुरी गानों में भी काम कर रहा है। कहानी जमुई जिले की है जहाँ बीते 20 सितंबर को जिले के सिकदरा चौक से पुलिस ने आईपीएस की वर्दी में घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया था। युवक का नाम मिथिलेश मांझी है जो लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र के गोवर्धन बिघा गांव का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बाद उसने पुलिस को बताया कि किसी ने 2,30,000 रुपए लेकर उसे आईपीएस की यह वर्दी दिलवाई है। लेकिन अब इस कहानी में जो सच सामने आया है उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए और अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए एक युवक किस हद तक जा सकता है, मिथिलेश ने वो सब कुछ करके दिखाया है। आइए पहले आपको ये सुनवाते हैं कि मिथिलेश ने अपनी गिरफ्तारी के बाद पुलिस को क्या कुछ बताया था। जैसे हम पढ़ाई करते थे, ठीक है, तो एक ने गए थे पार्क, खैरा है ना, वहाँ गए थे पार्क, तो वहाँ पर गए तो एक आदमी मिला, ठीक है, तो हम जैसे हम पैसे बात कर रहे थे, हमारे दोस्त कह रहे मेरे मम्मी ने रखा है, हम ये चीज़ कहाँ गएंगे, तो बोला क्या तुमको हम पुलिस में दे देंगे, तुम हमको इतना पैसा देना, तो हम 2,00,000 दोस्त दे देंगे, ठीक है, 2,00,000 दे दिए, 2,00,000 दिए तो वर्दी दे दिया, ठीक है, तो बोला हम और खुश हो गए, वर्दी वर्दी दे दिया, तो फिर बोला अब तुम जेल हो गया, हार से सारा बोल दिया, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने बुलाया हम खेरा कि 30,000 मैंने और लेगा, तो कर्जे वर्जे मैंने उतार के 30,000 रुपये मैंने उनके बाद कर रहा हूँ। मिथिलेश की गिरफ्तारी के बाद उसने पुलिस को बताया था कि किसी मनोज सिंह नामक व्यक्ति ने उससे 2,30,000 रुपए लेकर उसे आईपीएस की वर्दी दिलवाई। लेकिन पुलिस की जांच में यह सब कुछ फर्जी साबित हो। सवाल यह उठता है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए इस हद तक चले जाना कहां तक सही है। गौरतलब है कि लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए तथा व्यू पाने के लिए लोग कई तरह की चीजें करते रहते हैं, जिसमें कुछ लोग डांस करते हैं, गाने गाते हैं या तरह तरह के वीडियो बनाते हैं। लेकिन जमुई के सिकंदरा चौक से गिरफ्तार हुआ यह युवक सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत में फर्जी आईपीएस बन बैठा। गिरफ्तारी के बाद जब उसे पीआर बॉन्ड पर रिहा किया गया तब इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और मामले में जो कुछ सामने आया एसडीपीओ ने इस बारे में जानकारी दी है। साथ ही साथ इस मामले में अग्रेतर अनुसंधान में यह बात पता चली है कि जिस दिन मिथिलेश द्वारा एलिजिडली पैसे का ट्रांजेक्शन की बात बताई जा रही है उस दिन मिथिलेश का लोकेशन खैरा ना होकर लखीसराय है। इस मामले में एक अन्य बात आई है कि मिथिलेश द्वारा जो 2,00,000 रुपए हैं वो अपने मामा से लेने की बात हम लोगों को बताई गई थी, परंतु उसके मामा से पुलिस की जो पूछताछ है उसमें उसके मामा द्वारा ऐसे किसी भी 2,00,000 रुपए एक मुश्त भुगतान की बात से इनकार किया गया है। ऐसे में यह मामला कई सारे सवाल को भी खड़े करता है कि आखिर सोशल मीडिया पर फॉलोअर पाने की चाहत में इस हद तक चले जाना क्या सही है। लोकल 18 के लिए जमुई से गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।